हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन के बारे में कि 2021 में एडमिशन किस प्रकार से होने वाला है। तो आप देखेंगे यह जो आर्टिकल मैंने लिया है अमर उजाला से लिया है, अमर उजाला 3 जून 2021 का आर्टिकल है, दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति का बड़ा बयान एंड 15 जुलाई से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया और यह होगा आधार। तो चूंकि काफ़ी दिनों से संशय बना हुआ था कि क्या इस बार सीयू सेट में डीयू शामिल होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने बहुत क्लियर किया। यहाँ के कुलपति जो है पीसी जोशी, उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हमेशा से 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाता है। इस साल भी कोरोना महामारी को देखते हुए मेरिट के आधार पर ही दाखिला दिया जाएगा, यानी कि इस बार जो सीयू सेट के थ्रू जो एडमिशन होने वाला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें भारत के लगभग 41-42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ ये लोग कंडक्ट करने वाले थे, तो डीयू उसमें शामिल नहीं होगा। बहुत क्लियरली है एएनआई को इन्होंने रिपोर्ट में अपने बाइट में बोला है, सो फार वी हैव एडमिटेड स्टूडेंट ऑन अ मेरिट बेसिस, यानी बहुत दिनों तक हम लोग हमेशा से मेरिट बेस पर एडमिशन लेते आए हैं, दिस ईयर टू इस साल भी लेंगे। इन व्यू ऑफ कोविड वी विल एडमिट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स दे रिसीव फ्रॉम बोर्ड्स बी इट्स CBSE और अदर बोर्ड्स, यानी कि CBSE हो या कोई और भी बोर्ड हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी विल रिलीज मेरिट लिस्ट यूजिंग दोज मार्क्स, ड्यू वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी। तो पीसी जोशी ने ऑफिशियली बयान दिया है, एएनआई को बयान में इस चीज़ को बहुत क्लियरली कहा है। 15 जुलाई से हो सकते हैं दाखिले, इसमें जो भी एडमिशन का है, चाहे वो PhD एडमिशन की प्रक्रिया हो, चाहे MPhil एडमिशन की प्रक्रिया हो, चाहे ग्रेजुएशन के एडमिशन की प्रक्रिया हो, 15 जुलाई से यहाँ पर अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इंतज़ार करें, अभी समय है। भविष्य में प्रवेश के लिए देनी होगी प्रवेश परीक्षा, यानी इन्होंने यह भी बताया कि कुलपति ने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा जो कि सीयू सेट होने वाला था NTA द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन इस साल नहीं, भविष्य की बात हो रही है, यानी कि 2021 में सीयू सेट के थ्रू DU में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन भविष्य में CUET का आयोजन निश्चित रूप से किया जाएगा, यानी कि आने वाला समय में अगले साल से, उसके बाद अगले साल से, हो सकता है कि अगले साल से वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में CUSET के थ्रू एडमिशन स्टार्ट हो जाए, ऐसा इन्होंने क्लियरली कहा है। तो जो साथी संशय में थे, मेरे ख्याल से उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और नए लोगों को चैनल पर जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ध्यान रखें।